प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार डिस्कशन लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, इनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुमित जैन साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। लेकिन आपकी ट्वीट वगैरह पे बड़ा इतराज है, उनको क्या क्या लिख दिया आपने? सी, वो जर्नलिस्ट है और हर एक को अपना हक है अपने ओपिनियन देने का। मैंने अपने ओपिनियन दिए हैं, अपने सारी एनालिसिस के बाद इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। हो सकता है कि ये ठीक हो। मैं पहले बोल रहा हूँ, ईद बनेगी या दिवाली, ये 4 जून को पता लगेगा, तो 4 जून की वेट करते हैं। दोनों मनाइए ना, सिर्फ ईद या दिवाली क्यों, ईद भी और दिवाली भी दोनों मनाइए। ये समझिए, हम इंडिया में हैं, वो आप दोनों का, एक पाकिस्तान में, देखो मैंने इंडिया इसीलिए पत्र से लिखा भी हुआ है, रोहित शर्मा इंडियन, तो एक पाकिस्तान में है और एक चाइना में, जहां पे आप सच नहीं बोल सकते। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और हमारे रिएक्शन जो है उसको, रोहित भाई, चाइना में होते हैं। बस वही फर्क है कि आप इंडिया को फॉलो करते हैं, मैं भारत को फॉलो करता हूँ, इस चीज का बड़ा फर्क रहेगा। तो इसलिए हम इसके ऊपर बात नहीं करें तो अच्छा है। ओ माय गॉड, अच्छा इसलिए क्योंकि हमारी एक पार्टी है, हमारे कंट्री की एक पार्टी है, जिसके चीफ ने आपके कंट्री की एक पार्टी से सीक्रेट अलायंस किया था, तो मैं, आप उसी इंडिया को फॉलो करते हैं? देखिए, जो जो लीडर की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे कंट्री में आकर सीक्रेट एग्रीमेंट किया था, वही इंडिया वाले हैं, और मैं इसलिए उनको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो बेशर्मी से आकर इन्होंने हमारी जिंदगियों के सौदे किए थे भारतीयों के, वो कभी भी हम भारतीय भूल नहीं सकते, और उस गद्दारी के लिए उनको सजा मिलेगी मिलेगी, आप चिंता मत कीजिए। वो धक्के खाते हुए आज भी धक्के खाते खाते 2 यात्राएं कर गए हैं, और यात्राओं में उनके साथ क्या कुछ हुआ है ये सारी दुनिया जानती है और आगे भी पता लग जाएगा। बट एनीवेज, आरजू जी, जो आपने बात करी कि भारत के अंदर चैलेंज क्या रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक चीज मैं और ऐड करूंगी यहाँ पे सुमित सर आपके लिए, वो ये कि क्या जो जो भारतीय इंडिया से बाहर है, क्या वो उनके लिए कोई तरीका है कि वो वोट दे सकें या नहीं? आप नहीं कर सकते अभी फिलहाल, नहीं है अभी फिलहाल, नहीं है। आगे आगे सिस्टम बन रहा है। हम लोगों ने जो डिटेल में जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं उनसे बात करी थी, हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन फिजिकली वोटिंग करने के लिए भारत आना पड़ेगा। बाहर से बैठकर अभी हम वोटिंग नहीं कर सकते, हम रजिस्टर कर सकते हैं आने से पहले, और उसके लिए फिर लेकिन फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है। लेकिन अगर हम एसेंशियल सर्विसेज में हैं, जैसे कोई एम्बेसीज में काम कर रहा है, अगर वो वोटिंग करना चाहे तो वो बैलेट पेपर जो है बल्कि रिमोट से वो वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए अवेलेबल है। हेलो, लिसन, उनके लिए पोस्टल बैलेट होता है, जैसे हमारी वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ मैं, पोस्टल बैलेट ही बोल रहा हूँ, उनके लिए अवेलेबल है जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर। आप लोगों के लिए अभी आप लोगों को इंडिया को आना पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन आप लोगों के लिए पोस्टल बैलेट होता है। अगर आप बाहर हो तो पोस्टल बैलेट होता है, आप फॉरेन कंट्री से वहां पे बैठ करके अगर आप एम्बेसी को बोले तो वो जुगाड़ कर देते हैं कई बार। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी एम्बेसीज में बात हो गई है, मेरी फॉरेन मिनिस्ट्री में बात हुई है, वो कहते हैं कि अभी हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं है जो फॉरेन में लोग रहते हैं उनकी वोटिंग के लिए। ये सिस्टम 25-26 तक तैयार होगा, दैट मींस 29 में इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी हमारे पास वोटिंग के लिए एक फॉर्म है जो यहीं से बैठकर हम अपने एरियाज में भेज सकते हैं कि वी वॉन्ट टू कम एंड वोट, हमारा नाम रजिस्टर किया जाए, लेकिन उसके लिए वोटिंग करने के लिए हमें फिजिकली भारत में आना पड़ेगा। अभी कोई भी ये जो सिस्टम है वोटिंग का बाहर बैठकर एम्बेसी में जाकर वो नहीं है। सर, आप चैलेंजेस की भी बात कर रहे थे, आपकी बात बीच में रह गई। अगर आपने नेशनलिटी वापस नहीं दी है तो आपकी वोट, यस, मैं जो भारतीय है, जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर है वो अभी वोटिंग नहीं कर सकता है। रोहित भाई, बिलीव मी ऑन दिस, अभी आप इंडिया में हैं, भारत, जब भारत में एंटर कर जाएंगे पता लग जाएगा। तो अभी दूसरी बात करते हैं हम लोग, एज फार एज चैलेंजेस आर कंसर्न, मैं बाहर जाने के मूड में नहीं हूँ और आपके कंट्री में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल आना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मेंटेलिटी के लोगों को शिनजियांग में क्या कुछ किया जाता है आप समझ सकते हैं। आरजू जी, आपके लिए बोल रहा हूँ,
आरजू जी की बोल रहा हूँ। तो आरजू जी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही है, आप भी करवा के आए हो क्या? सॉरी क्या? अच्छा मैं ये बोल, सुन लीजिए बात को। अच्छा एक मिनट सुमित सर कंप्लीट कर लेना, सुमित सर को कंप्लीट करने दे। जी जी जी। तो जो चैलेंजेस हैं भारत के लिए, जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, यहाँ पर पागलपन भी बढ़ता जा रहा है। कई बार आपने भी शो करे हैं कि यार हमारे यहाँ पर लोग पाकिस्तान में आपके इतने बेवकूफ नहीं है या इतना तंग नहीं करते जितने भारत के, रेडिकलाइज हुए पड़े हैं, पागलपन है कि यहाँ पर हिंदुओं को खत्म करना है। अब तो उनको बढ़ चढ़ कर ऑपोजिशन भी बोल दिया कि भाई जितना हिंदुओं ने कमाई करी है निकाल निकाल के इन जहादियों को हम दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके दिमाग में कि उनके दांतों पे खून लगा दिया है और वो सैंपल भी दिखाना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। जैसे कर्नाटक में है वहां पे लड़कियां उठा के लेके जा रहे हैं, केरला में लड़कियां अगवा की जाती हैं, और इतना बड़ा गंद डाल दिया है कांग्रेस ने भारत के अंदर एज फार एज हिंदुओं को लेकर कि वहां पर अब लोगों को लगता है कि यार ये पागलपन खत्म होना चाहिए। और मैं तो बार बार गवर्नमेंट को बोलता हूँ कि आपको चाइना वाला मॉडल ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, इसराइल वाला आप कर नहीं सकते। तो इसलिए बेटर यही है कि आप चाइना वाला मॉडल इंप्लीमेंट कीजिए ताकि ये पागलपन तो खत्म होना शुरू हो। देखते हैं क्या होता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के लिए जो ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तो समझ सकती हैं, आप तो वहीं रहती हैं, तभी आपने घर में जो गेट है मेन गेट वो भी आपने पीआईए का गेट निकाल कर लगाया ताकि उसको खोलना बड़ा मुश्किल हो, और बाहर बाहर भी अंदर भी आपने कैमरे लगाए हुए हैं ताकि आपको कोई तंग ना करे। वही चीज भारत में भी हो रही है। अब आप कैमरे की हालत देख लीजिए रोहित की, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या पीछे ऐसा लग रहा है फोग है कि क्या है, तक्के विक्के बना रहे थे क्या कर रहे थे, इतना मैं जैन साहब की बात सुन रहा था। जैन साहब जो है ना मिसलीडिंग बात करते हैं आजकल, कोई नहीं जीतने वाली, वो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो जीतती नहीं दिख रही मुझे। जैन साहब नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एक चीज तो ये है कि ऑफकोर्स इंडिया में अभी तो इलेक्शन मिड में है और जैसे ही खत्म होती है कहानी तब पता चलेगा। लेकिन जैन साहब एक चीज बताऊं मैं आपको कि आप जो जो एनआरआईज हैं उनके वोटिंग के लिए पैटर्न आ रहा है ठीक है, लेकिन वो या उनकी अगर वोट बनी हुई है ना, अगर वो पहले वोट कर रहे थे ना तो वोट किसी ने काटी नहीं उनकी, वो वही है, समझ रहे हैं बात को आप, तो आप वो वोट कर सकते हैं। चलिए रोहित भाई मैंने जो एक्सपीरियंस करना था आपको मैंने कर दिया, फिजिकली आना पड़ेगा, वो फिजिकली आने के लिए ही चक्कर है बस। अच्छा पब्लिक कितनी बार आ रही है रोहित, पब्लिक बार आ रही है, दो ईवीएम चाइना भिजवा देता हूँ वहीं से वोट कर देना, फिजिकली तो आना ही पड़ेगा, वो तो मैं मान रहा हूँ। वहां से पोस्टल बैलेट, आपको पोस्टल बैलेट का चक्कर था, पोस्टल बैलेट वहां मिल जाता था, लेकिन पता नहीं मेरे को कुछ लोगों ने बताया था कि पोस्टल बैलेट मिल जाता वहां पे। रोहित लोग बाहर आ रहे हैं क्योंकि गर्मी भी है काफी और मौसम यकीनन इंडिया में भी ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पर है, लोग बाहर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए। आप गए, आपने वोट डाला? मेरा वोट परसों है यार, मेरा वोट परसों है, अच्छा 26 तारीख को। दूसरी चीज ये कि लोग अभी जो हमें वोटिंग पैटर्न दिख रहा है यूपी में 50%, इट इज अलार्मिंग नो डाउट अबाउट इट। वो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, गर्मी है, लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं, और ये हम अगर कुछ देखें तो ये एक खराब पैटर्न जरूर है। इलेक्शंस लेट भी हो गए हैं, आईपीएल भी चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इकट्ठी, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब ये देखना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा जल्दी हुए होते तो इसके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते, नो डाउट अबाउट इट। अब लेकिन जी पिछले 5-6 पोल्स देखें तो हमने ये देखा है कि जो इलेक्शंस मई तक खत्म हो गए, मई के फर्स्ट वीक तक खत्म हो गए, उसमें बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके गई है, और जो मई के बाद चले उसमें बीजेपी की सिचुएशन खराब थी। पिछले पांच, मैं 1998 से बात कर रहा हूं, जो भरी गर्मी में नहीं हुए, थोड़ा ठंडे में जून सितंबर अक्टूबर नवंबर या फरवरी मार्च अप्रैल मई तक खत्म हो गए, उसमें बीजेपी का एक एज होता है। तो अभी जो है पैटर्न वो, क्योंकि एक ऑपोजिशन फ्रेगमेंटेड है तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि क्या पैटर्न होगा, लेकिन हाँ बीजेपी के वोटर की प्रॉब्लम है, बीजेपी का वोटर गर्मी में बाहर चल नहीं निकलता है। हमारे यहाँ पर आरजू जी, हमारे यहाँ पर
सिलेक्शन और इलेक्शन में फर्क होता है। हमारे यहाँ पर हर चीज आर्मी चीफ के ऑफिस से नहीं होती। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आपको इन तीनों का डिस्कशन काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा रोहित शर्मा साहब और सुमित जैन साहब के बीच में थोड़ी खींचातानी भी हुई, खासकर फॉरन से वोटिंग को लेकर। और दूसरी ओर सुमित जैन साहब ने जैसा कि कहा, भारत में अब कट्टरपंथी इतनी बढ़ गई है कि अब चाइना का मॉडल इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इस मुद्दे पे तो मैं सुमित जैन साहब के साथ हूँ और बिल्कुल एग्री करता हूँ। और दूसरी ओर चुनाव का माहौल गर्म है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि इस बार कौन जीतने वाला है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार डिस्कशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।